जैसा कि हमने 2-3 वीडियो पहले आपको दिखाया था माइकी गए थे वहाँ पे हमने टेबल बुक कराया था, तो आज उसका दिन है लेने जाने का। कोई ट्रक इससे पहले खाली था नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ट्रक जो नॉर्मली हमारा यहाँ होता है, बट आज हमने सड़क पार खड़ा किया हुआ है बिकॉज हमारा घास काटने वाला आया हुआ था। तो सिंपल ड्रिल है, हम पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें वहाँ जाना है, टेबल उठा के ट्रक में डालना है, ट्रक चला के घर लाना है, घर जाके संभल कर लेना। तो इट विल बी एंटरटेनिंग वीडियो, लेट्स गो। भाई ये है अत्रि भाई का ट्रक, काफी ज्यादा मॉडर्न है ये और ऑटोमेटिक तो है ही। और ये नाइस ड्राइंग के साथ आता है। यहाँ पे भाई यही है कि हमारा जो एरिया थोड़ा डॉजी एरिया है, तो यहाँ पे लोग ना ग्रैफिटी कर जाते हैं। अभी तक टच वुड हमारी गाड़ी पे नहीं हुई है, जिस दिन गाड़ी पे हम गोली मार देंगे। बट तुम्हारे पास गन है नहीं? अरे जरिए होते हैं, तुम्हें ढूंढने आने चाहिए, ठीक है। तो भाई आज की हमारी राइड ये ड्रिंक्स ट्रक है, तो ये आई थिंक ऐसे खुलता है। इस वाले ट्रक को मैं पहली बार चलाने वाला हूँ, तो शुड बी अ गुड राइड। और आपको ट्रक के अंदर भी दिखाई देंगे। आई डोंट, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में चलना, क्योंकि इट्स बाहर अच्छा लग रहा है बट अंदर से क्या पता इतना अच्छा ना हो। तो चलते हैं। लॉक कर रखे हो तुम? नहीं, बंद है। ओके, खोलो। इतनी मेहनत, ओ तेरी। फाइनली ये अपना ब्रेकफास्ट यहीं छोड़ रखा है इन्होंने। ब्रेकफास्ट, केले, ल्यूकोजेड ड्रिंक्स, काफी हेल्दी डाइट। ओह, कलर छोड़ दिया इसने तो। नाइस वन। हटियो। इंडियन हैबिट्स। टिश्यू पेपर है क्या तुम्हारे पास? नहीं, ये पर्ची से साफ कर। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कागजात बहुत पड़े हैं, आ जाओ। तो भाई मैं जो वूलीज का ट्रक चलाता हूँ वो सेम ब्रांड का, हाइनो ब्रांड का है, और इंटीरियर मोस्टली सेम है। बस उस ट्रक में और इस ट्रक में फर्क ये है, पहली बात तो वो काफी स्मॉल ट्रक है, ये थोड़ा बड़ा ट्रक है, एमआर में आता है ये। और इसका गियर देख सकते हैं आप, हाइब्रिड लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसको फुल ऑटोमेटिक भी चला सकते हो, फुली मैनुअल भी चला सकते हो, और अगर आप इसको राइट शिफ्ट करके पीछे कर दो तो आप स्टेप्ट्रॉनिक भी चला सकते हो, इससे आप अपनी शिफ्ट अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई कम्फर्ट इसका काफी ज्यादा है मेरे ट्रक से, मे बी बिकॉज इसका वेट ज्यादा है, जो भी है, बट दैट्स द बेसिक ऑफ द ट्रक। हाइब्रिड ट्रक है, काफी पसंद आया मुझे अभी तक, सो फार सो गुड है। राइड तो ऐसे भाई काफी स्मूथ चल रही है, और दोपहर में जितनी धूप थी और जितनी गर्मी थी वो थोड़ी कम हो गई है, तो हमें थोड़ी सी राहत मिल गई है। मैं चाह रहा हूँ बारिश हो जाए लगातार ना, कुछ 8-9 दिन। नहीं, वो तो हो नहीं पाएगा, वो तो 3 महीने बाद जब विंटर आएंगी तभी एक साथ चालू हो जाएगा। कोस रहोगे कि भाई बारिश बंद करो, बारिश बंद करो, हमारा कोई दिन मान नहीं है वेदर को लेके, तो देख लिया। बाकी हमारी काफी अच्छी राइड होने वाली नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद डायरेक्ट आईकिया पहुंच के आपको लैंड हो जाएंगे, उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। बाकी भाई हम निकलने में थोड़ा लेट हो गया, तो काफी ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, लाइक एटलीस्ट जब तक हम फ्रीवे पर नहीं पहुंचते काफी हैवी ट्रैफिक होगा। तो आर यू एक्साइटेड फॉर द स्लो राइड? बिल्कुल नहीं भाई, ट्रक में बैठने में इतना मजा नहीं आता मुझे, मैं तो सो जाता हूँ इसे जब ट्रक में। यू कैन टेक अ नैप जस्ट लाइक लास्ट टाइम। ट्रक में भी गए थे ट्रक ब्लॉक के लिए, 350 किलोमीटर राइड में मैं लिटरली 4 घंटे सो के आया था। गुड एक्सपीरियंस था मतलब? बिल्कुल भी नहीं, मैं सोता आया था। आ चुके हैं हम ऑलमोस्ट हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर, आईकिया। काफी लॉन्ग राइड लगी है मेरे को, लेकिन ट्रैफिक में ज्यादा लंबी राइड लगी है, और ऊपर से ट्रक में थे, गाड़ी में उतना पता नहीं चला था मैं। तो भाइयों आ चुके हैं हम आईकिया दोबारा से। लास्ट टाइम हमने आपको बाहर की बिल्डिंग में दिखाई थी, इस बार आपको बाहर की बिल्डिंग में दिखा देंगे। अनिकेत सर डिस्क्रिप्शन लास्ट टाइम दिया था, इस बार लाइव दिखा देंगे बिल्डिंग इनकी। इसकी बिल्डिंग से तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार हुआ था, बहुत कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ अच्छा है, और पार्किंग जो हमने भी 5 मिनट लगाने के बाद जो ढूंढी है एक्चुअली उधर घुस गए थे, वहाँ पे खंबा था तो डिवाइडर के ऊपर से यू टर्न मार के हम यहाँ आया, काफी जेन्युइन था वो। ये ऐसे रिस्क लेते रहते हैं। और ये झंडों का कुछ कहना है, जेन्युइन लग रहे हैं अभी। और भाई लास्ट टाइम हमने पता नहीं वीडियो में डाला था कि नहीं डाला था, दो नहीं 20-20 सेंट की ना बॉटल मिल रही थी, जो कांच की बॉटल होती है कॉर्क लगा होता है इसके अंदर, तो 3-4 वो भी उठानी है। तो लास्ट टाइम हमने ली नहीं थी बिकॉज लाइन बहुत लंबी थी, बट आज नहीं के समय लाइन में लगना ही पड़ेगा टू कलेक्ट द गुड्स, तो हम वो भी मोस्ट प्रोबेबली साथ में लेके जाएंगे। मैंने बंदा ढूंढा, बंदे ने कहा कि हम तो आपकी हेल्प कर नहीं पाएंगे,
बट आप चाहें तो एक ट्रॉली ले जा सकते हैं, हम अपनी हेल्प खुद कर लेंगे। सेल्फ सफिशिएंट लौंडे हम। आइल टू नंबर सिक्स। नंबर सिक्स तो भाई जैसे हम स्टोर में आए, हम काउंटर के पास गए और बोला कि हमें ये टेबल चाहिए, बट हमने मिस्टेक क्या की थी कि हमने कलर फाइनलाइज नहीं किया था, तो जो ग्रे कलर हमें इनिशियली चाहिए था, जो पसंद आया था, वो मिला नहीं हमें अनफॉर्चुनेटली। तब हम वाइट कलर लेके जा रहे हैं, बिकॉज हमने पिक्चर्स देखी और वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा कर लेते हैं, थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़। वैसे भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ ही करते आ रहे हैं। तो लोकेशन डालो, आइल नंबर टू, शेल्फ नंबर सेवन। टू हैवी, इसको तो पकड़े इस बार। अरे मैं कैमरा पकड़ के बैठे हैं राजू, हम एक ही काम कर सकता है। कट करते भाई, बात करेंगे। मेरा मन इतना ललचा जाता है ना आने के बाद, सब ले लो। बट काफी आलीशान लिफ्ट में हम 5000 किलो का वेट है भाई इस लिफ्ट का, तो आई थिंक लोडिंग जोन यही होगा इस लिफ्ट के बाहर जस्ट। आई थिंक एयरपोर्ट की जो लिफ्ट होती है उनका भी रफली इतना ही वेट होता है, बट अगर हवाई जहाज लाना हो पूरा तो तुम क्या मजाक कर रहे हो। इम्पॉसिबल। ये दूसरी पार्किंग में आ गए हम, डिजास्टर हो गया है। हमें अंडरग्राउंड वाली में जाना था, अब वापस चलते हैं। जो तो दूसरा जी नहीं था ये, इस पे जाना है हमने। डिफरेंट जी, तो ये रे ओ मैजिक, सेम फ्लोर पे थे हम। जैसा मैंने बताया था ये ट्रक साइड से खोलता क्योंकि इसकी लोडिंग साइड में होती है, और अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आप स्टेप्स यूज कर सकते हो, साइड से बहुत सारे स्टेप्स किए हैं मेरे लिए। बाकी आई थिंक इट्स अ टू मैन जॉब। अरे मेरे को लग रहा तुम कर लोगे, देखा तोड़ना मत, तोड़ना मत। पैलेट रख देते हैं। हाँ, और गाय जिसी के साथ टेबल हमारा हो चुका है, अब घर चला जाएगा और तुरंत की तुरंत इसकी अनबॉक्सिंग कर दी जाएगी। देखो ट्रक चलाना आज फॉर अ चेंज। नहीं, अरे यू कैन ट्राई। नहीं, वन पीस नहीं पहुंच पाएंगे हम, चल के अनबॉक्सिंग करते हैं जेन्युइन। सुराज काफी जेन्युइन राइड थी हमारी, बड़ा देख सकते हो मौसम कितना बढ़िया हो गया है। इवन तो ग्रे स्काई था बट बारिश का चांस बिल्कुल 0% पे है। अब तुम ले जाओगे अकेले? आई थिंक आई एम द पावरफुल मैन। डन हो गया भाई जी। गेट लगा दे। तो मैं दरवाजा खोलूं? नीड है उसकी। कितने मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलूंगा? 10 मिनट के अंदर में लग रहा कर देंगे। भाई काफी रोमांचक माहौल है यहाँ पे, खुलने वाला बस अनबॉक्सिंग। जेन्युइनली रेडी हूँ मैं। अब तुम्हें एक मिनट और वेट करना। गत्ता फाड़ा जा रहा है बिल्कुल फुल उससे। तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, प्रीमियम फिनिश। वो देख सकते हो कोने में पाए पड़े हैं इसके, टूल किट भी होगी इसमें एक। अरे इस पर मत रखना, स्क्रैच पड़ जाएंगे। मेन सरफेस आई हमारा। ओ मैनुअल दिखाओ। तो भाई थोड़ा हम असम्बल करके आपको 3 मिनट में बात करते हैं। तो भैया टूल किट है इसमें, जैसे ये जो आइटम है देख रहे हो उसका मैनुअल में भी लिखा हुआ है, वो जहाँ जहाँ यूज़ करना है वो बता देंगे वो। तो अभी हम थोड़ा मैनुअल पढ़ के असम्बल करके फिर देखते हैं। तो भाई ये भी जो इसके लेग्स थे उनके ऊपर ये लगाने के बाद बोल्ट के थ्रू इसको हमने हर लेग को मेन टेबल से अटैच कर दिया। ये ऐसे काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है ये, क्योंकि इसमें एंगल टेढ़ा नहीं होना चाहिए और सेम टाइम पेज ही फनी है, दोनों साइड से ना वो है खुला और गीला है। ये काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, वो दिखाएंगे वीडियो में। ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे को देखने में। तो भाई पाए हमने लगा दिए हैं, साथ में हमने ये फिक्स कर दिए हैं हिंजेस जिस पे हमारा वो मेन सेटअप आएगा जो नीचे का पार्ट है, तो उसको बस टेढ़ा करना है, सारे पेज टाइट करने हैं और काम हो जाएगा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? टायर्ड और भाई काफी ज्यादा, काफी मैनुअल काम है इसमें, बट आई थिंक लास्ट स्टेप उसके बाद हमारी टेबल रेडी होगी, फिर हम इस पर नाच देंगे। फिर ये एक हफ्ते या दो महीने के अंदर टूट जाएगी, देन वी बाय न्यू वन। तो हमने जो हिंजेस लगाया था उसका हम फाइनल प्लेट लगा रहे हैं अपनी, जो बेसिकली हमारा मैगजीन रखने का और PS5 कंट्रोल रखने का काम करेगी, जो कि बिल्कुल यहाँ पे है। कैसा लग रहा है आपको जमीन पे? नो कमेंट्स। ये लास्ट पेज कस है और बस ठीक है, इसके बाद खड़ा करते हैं टेबल को।
खींचियो से ऊपर, मैं इसको नहीं जैसे खींच दूंगा। अरे जेन्युइन काम नहीं कर रहा तुम। हौले हौले करना सीधा, कहीं यही फ्रेज आए लोग टूट रहा हो। क्या बात है, क्या बात है, जेन्युइन हो गया टेबल तो सही है। ये हम यहाँ डाल दिया करेंगे, जिस बंदे को खाना खाना हो अपने हिसाब से वो यहाँ खा लिया करे, इसमें डाल देंगे इसको। देखो भाई, पहली बात नो जंपिंग ऑन द टेबल। जंपिंग का $100 का फाइन है, ठीक है। $100 की टेबल है। फ्रेजाइल के स्टिकर लगाओ चारों तरफ, और जिसने टेबल तोड़ा उसकी यहाँ पे बी टाउन में एंट्री बंद है फिर। बड़ा जगह देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये यहाँ रह सकते हैं। वैसे जगह उनकी अब भी कचरा कम रहा करेगा ना हमारा, बट भाई अंदर रहा करेगा। नो फुट ओनली फुट ऑन देयर, नो फुट नो जंपिंग। बाकी जेन्युइन आइटम, बाकी ये टेबल काफी अच्छी बना दी गई है बाय कारपेंटर अनिकेतन पार्क। तो भाई आप भी चाहें तो ट्रेड ही कोर्स कर सकते हैं आगे। हमने कुछ 2 घंटे का ट्रेड ही कोर्स करा था, बट देख रहा तो मतलब ये बेसिक स्किल्स हर बंदे को आनी चाहिए, जो काफी लोगों को नहीं आती। आती है हमें, हमने बेड से लेकर टेबल, काफी लोग नहीं कर पाते, हम तो कर लेते हैं सारी चीज। सिर्फ अलमेरा रह गया जो लगाना, एक दिन वो भी अब चला दिया जाए कुछ शो। वो क्या देखना चाहोगे? पालक फूड हो जाए सबसे पहले, आज इसका खाना दिया जाए, वाइट को थोड़ा कलरफुल बना दिया जाए। तो भाई यही था आज का, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि जब हम टेबल लेने जाएंगे अनबॉक्सिंग करके दिखा देंगे, और इनका कहना था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वैसा ही हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, 12 से 15 मिनट लगे, बट टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं था, और थोड़ा टायरिंग रहा था क्योंकि हमने ना मैनुअली छेद खोदने पड़े थे उसमें। बट हमेशा जब भी आई के या फिर कोई भी सामान मंगाते भाई काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि इनको असेंबल करने के लिए हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, और बिल्कुल कारपेंटर वाइब्स आ जाते हैं, तो कुछ अलग करने को मिलता है, अलग फन करने को मिलता है इस जिंदगी की रेस में। सारे के सारे बॉयज समझ सकते होंगे ये चीज़ें, आई डोंट नो लड़कियां समझेंगी नहीं, बट सारे बॉयज को ऐसे हरकतें करने में बहुत मजा आता है, और ये आनी भी चाहिए। बात ये है द बॉयज। तो भाई मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, जो भी डिमांड और रिक्वेस्ट डाल देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।